Hello everyone and welcome back to the new blog and I hope you all will be well. सब ठीक ठाक हैं और लाइफ इंजॉय कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि हमारी वाना को कोल्ड हुआ है और कोल्ड हुआ था. अब उसके बाद से वो जो पोस्ट कोल्ड थोड़ी बहुत कंजेशन रहती है वो है उसको, तो बस उसको सबसे ज़्यादा हम स्टीम ही कर रहे हैं फिलहाल. ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स कोई नहीं दिए हैं तो काफ़ी बेटर है वैसे पहले से, बट स्टीम देना बहुत बड़ा टास्क होता है. मतलब 10 मिनट की स्टीम देने के लिए 1 आवर लगता है इसको. तो अच्छा, ये तो पर अलग अलग है, एक ग्रीन है एक रेड है. ये क्यों डाले? क्यों ये सूप पी रहे हो? कौन सा सूप है ये? पानी वाला. सारे तो ये इवो को मैं स्टीम दे रही हूँ सुबह उठने से पहले ही, क्योंकि और अगर उसने ये वीडियो देख ली वो बहुत कॉन्शियस हो जाएगी, ये भी मुझे पता है. तो बट ये बेस्ट वे होता है स्टीम देने का. हाय गुड मॉर्निंग, और आज है संडे. पहले संडे मंडे ट्यूसडे सब सेम था जब मैं 2 महीने घर पे रही, तो संडे की वो एक्साइटमेंट नहीं होती थी जो आज है. तो आज का संडे जो है वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए इसीलिए. और आज हमने प्लान किया है कि हम कहीं जाएंगे घूमने भी नहीं कह सकते, लाइक बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड एक्चुअली हम प्लान कर रहे थे क्योंकि मंडे की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि अमृतसर चलते हैं. तो बट फिर मम्मी डैडी ने सही सजेस्ट किया, इबू को थोड़ा कोल्ड है, तो हमने सोचा कहीं पास में ही चलते हैं. एंड थोड़ा आइडिया तो आपको हो गया होगा कि कुछ स्पिरिचुअल जगह ही हो गई, और घूमना भी नहीं कह सकते इसके ऊपर. ये इस जगह पे जाने का बहुत देर से गई हुई हूँ पहले भी, बट अभी इबू को लेके जाएंगे. और 9 बजे निकलना था पर 9 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं. तो एक्चुअली वो के साथ हो ही जाता है, ये लेट उठी, हाफ एन आवर तो इसको स्टीम देने में लग जाता है. और अभी इवो और हनी दोनों नहा रहे हैं, नाश्ता बना दिया है, और फिर हम भी रेडी होते हैं और निकलते हैं. ठीक है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही लाइक हार्ट टचिंग कह लो कि वर्थ आपका ये हमारा ये ट्रेवल होगा. और आपको मैं बहुत अच्छा ब्लॉग आपको इसका बना के दूंगी, तो सरप्राइज है. देखते हैं कहाँ जाते हैं, अब गेस करना कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कौन गेस कर पाता है. फ्रेंड्स आज हम संडे है, गुड मॉर्निंग, हम हो चुके हैं तैयार, मैंने गाड़ी गुड़ी धो दी है. वो देखिए पीछे उदास चेहरा हो गया. ये देखिए आपको एक कोई नई जगह लेके जाएंगे, दिखाएंगे कुछ ना. जो इसने वो स्वेटर डाला हुआ है वो सो रहा है स्वेटर. इवाना उसको को उठो, उसको इवाना आप कहीं सो रही है. केटी सो रही है, बोलो उठो. तो इवाना ने भी आज नहा लिया है सुबह सुबह, न्यू ड्रेस पहनी है पूरी. ये देखिए मैं नहीं, इवाना ने मिथुन ला दिया है. इवू जा रही है दादू दादी को बुलाने. कहाँ जा रही हो? ओके और ईवू का बॉक्स हो गया रेडी. इसमें है ब्रोकली स्टीम, नीचे परौंठा है, ये है एप्पल मैंने रख लिया, वैसे इसने नाश्ता कर लिया है, एक ऑरेंज रख लिया, बिस्किट वैसे इसके अब बंद ही करने हैं पर फिर भी मैंने रख लिए हैं, और ये सौंफ है, वैसे ही मीठी सौंफ होती है. जो हनी हो चुके हैं पूरे तैयार और खाना भी खा लिया, मैंने भी खा लिया. तो ये देखो आज हम घूमने भी जा रहे हैं. आज हम सरप्राइज है, क्या हो गया टोपी से ठीक करके. चलो
अभी पापा ने खोला ही नहीं है। छोड़ दो क्या? नहीं प्लीज। दोनों को छोड़ दो के। इवो हमें बोल रही है कि अब आपका स्कूल आने वाला है तो मम्मी पापा दोनों को मैं स्कूल में ही छोड़ दूंगी। ये देखो स्कूल वाले की राइट्स। मे बी जिनको ये रास्ता फेमिलियर है, ये रास्ता बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक प्लेस की तरफ जा रहा है फतेहगढ़ साहब। और पर एक्चुअली हम आज यहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं, रास्ता सेम है। तो चलो नेक्स्ट व्लॉग में वही मिलते हैं आपसे। थैंक यू।